हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर, पीपल कॉल मी मोबी। और जो मैं अब नज़म आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो एक बेटे के जज्बात हैं अपने बाप के लिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लफ्ज़ों पे जाएं, ना कि मेरे अंदाज़े बयां पे। मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करें। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका मैं आपको पहले मतलब बता देना चाहता हूँ। जैसे कि एक वर्ड है फजर। फजर मतलब वो वक्त जब सूरज उगने वाला है। एक वर्ड है बेलोस। बेलोस मतलब अनकंडीशनल। सो जब ये मतलब आई विल रिसाइट दिस पोएम तो यू विल गेट टू नो अबाउट दीज वर्ड्स। और पोएम जो है, जो नज़म है मेरी, वो इस तरह शुरू होती है कि नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था। ईद वीद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था। और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा पर तब भी सब अनजान था। मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकला ना था पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए अब उसके कदमों पे नजरें रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए। कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था और सो सकूं रात भर सुकून के साथ। इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना, या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आ जा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या जरूरत है तुम्हें अब्बू इतने पैसे की, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था। और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे ये समझ आने लगा था, बेलोस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से जो ना लिखा जाए वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और ये एक मैसेज पूरी आवाम के लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा। जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास,
तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा, वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस नज़म का कोई नाम रख नहीं पाया क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज़ में बता नहीं पाया। थैंक यू।